कोढ़ीनी गांव में हर 2000 बच्चे में से 200 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो तीन तीन ट्रिपलेट्स भी हैं, इसलिए उस गांव को ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहते थे कि ये जेनेटिक की वजह से होता है, लेकिन बाहर से आकर बसे हुए लोगों के भी जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो ये तर्क बेतर्क हो गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पानी की वजह से होता है, लेकिन वही पानी तो आस पास के गाँव में भी सप्लाई होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई इफेक्ट दिखाई ही नहीं दिया। विज्ञान के पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अनसुलझी हैं। अब आप लोग बताइए, विज्ञान बड़ा है भगवान, चैट में लिखना मत भूलिएगा। वो एक साधारण सी गृहिणी थी और घर पे ही शास्त्रीय संगीत सिखाया करती थी। 2013 में अचानक से वो एक बीमारी का शिकार हो गई और लगातार 2 साल तक उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसके लिए ही घर के पास उन्होंने एक जिम को ज्वाइन किया और साथ ही महीने में उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया और वो एक ट्रेनर भी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक 6-पैक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत की और फाइनली एक रिप्ड बॉडी बना ली और एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। गाइस, इस उम्र में ऐसा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं किरण देमला की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है। जहां एक ओर हम इंसानों की लालच की वजह से बहुत सारी पशु और पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर लुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं कर्नाटका के मैसूर में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कोशिशों की वजह से पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। उसने 1 एकड़ में फैला एक पक्षीशाला बनाया है, जहां पर 468 से ज्यादा प्रजातियों के 2000 पक्षियों की रखरखाव, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उन्हें फीड किया जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोगों का कहना है कि धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी पक्षीशाला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी दिया गया है। गाइस, पक्षी उस व्यक्ति को प्यार से अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। उनका असली नाम श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी है। हमें इस धरती को बचाने के लिए ऐसे इंसानों की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने बिल्ली को तो अक्सर कुत्ते से डर के भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डर के भागते हुए देखा है? हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में जेरेमी नाम का एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल पर खेल रहा था। अचानक से पड़ोस से कुत्ता आया और उसने उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। इतने में जेरेमी की पालतू बिल्ली तारा आई और उसने उस कुत्ते पे छलांग लगा दी। इसके बाद उस कुत्ते ने डर के जेरेमी का पैर छोड़ दिया। ना सिर्फ ये, उस बिल्ली ने उस कुत्ते को दूर तक धकेला भी। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पे डाली गई, वो रातों रात वायरल हो गई। उसके बाद उस तारा बिल्ली को बहुत सारे अवार्ड दिए गए और आज उसे कैट हीरो कैट के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आप बाहर से चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप अपने आप को कैसा मानते हो, मायने सिर्फ उसी बात के ही हैं। एक पेंगुइन प्रदूषित पानी में फंसकर तेल से पूरी तरह से भीग चुका था और भूख से तड़प रहा था। पास से जाते एक व्यक्ति ने जब ये देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो उसे गोद में उठाकर घर ले आया और 7 दिन तक लगातार उसके पंखों को नहलाता रहा ताकि तेल पूरी तरह से निकल जाए। इसी बीच वो उसे मछलियां भी खाने को देता रहा। कुछ ही दिनों में वो पेंगुइन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फाइनली वो उसे समंदर में छोड़ने गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार अपने ऊपर किए गए एहसान को भूल जाए, लेकिन ये पशु पक्षी कभी नहीं भूलते। वो 8000 मील हर साल तैरकर उस व्यक्ति से मिलने आता है और कुछ ही महीनों में वापस लौट जाता है। गाइस, देखभाल और प्यार का कर्ज चुकाना और उसे निभाना किसे कहते हैं, आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। किसी फिल्म को ऑस्कर मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर एक इंग्लिश मूवी या फिर यूं कहें कि एक हॉलीवुड मूवी को ही ऑस्कर अवार्ड दिया जाता रहा है। लेकिन ऑस्कर 2020 में रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड एक नॉन इंग्लिश मूवी को दिया गया। ये एक कोरियाई मूवी है जिसका नाम है पैरासाइट्स। एंड द ऑस्कर गोज टू पैरासाइट। इसकी स्टोरी का अंदाजा आप इसके नाम से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। पैरासाइट्स का मतलब परजीवी जो दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, लेकिन कभी कभार जिस पे वो आश्रित हैं वो उसी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में ये अपनी स्क्रीन प्ले और स्टोरी के लिए सुर्खियां बटोर रही है और इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि अगर स्क्रीन प्ले और स्टोरी में दम है तो भाषा कोई मायने नहीं रखती है।